प्यारे बच्चों, आज हम सोल्व करते हैं 10वीं का संस्कृत का पेपर। जो पहले में देखेंगे आप कि पहले में जो आप देखेंगे कि लिखेंगे पर्यावरण, क्या लिखना है, ये पहले का सह पार्ट है पर्यावरण। पहले का ही द पार्ट में हम जो करेंगे ये करेंगे, पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए। अब देखिए अपना सेट निकाल लीजिए। आज के संस्कृत के पेपर में सभी सेट एक जैसे आए हैं, ठीक है, सेट 1, 2 और 3 नहीं है। तो हम जो पहला प्रश्न कर रहे हैं उसका सह पार्ट, इसका लिखेंगे पर्यावरणम, ठीक है। और द पार्ट जो पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए। अब आज ये दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना था, ये जो लिख रखा आपका वार्षिकी, ये 3 में आएगा, सिमलात ये पहले में आएगा, जवरेन ये 7वें में आएगा, मातृ चरणाम 2 में आएगा, गृहम 9 में आएगा, स्वास्थ्यम 6 में आएगा, और समुचितम 4 में आएगा, और नमे 10 में आएगा, और समय 5 में, और चिंता 8 में। यह आपका दूसरा प्रश्न है, इसको सही ढंग से आप मैच कर लीजिए। फिर चलते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। छठे के पहले में बी, छठे के दूसरे में डी, छठे के तीसरे में ए, छठे के चौथे में बी, और छठे के पांचवे में डी। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। 7वें प्रश्न में पहले में बी, दूसरे में बी, तीसरे में डी, चौथे में ए, पांचवे में ए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं 8वां। 8वें के पहले में देखेंगे, पहले में डी, दूसरे में बी, तीसरे में सी, चौथे में सी। 10वें में चलिए, 10वें में ये 1, 2, 3 क्यों लिखने थे, पहला लिखा तदा, ये सेकंड में आएगा, ये लिखा जो इत्स्तत मम ये चौथे में आएगा, वर्था पहले में आएगा, और अपी जो लिखा है ये तीसरे में आएगा। ये 11वें प्रश्न पे चलिए। 11वें प्रश्न में पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में डी, और चौथे में ए। हमारे 11 तक सोल हो चुके हैं। अब 15 तक देखिए। 15 के पहले में केशाम, दूसरे में केम भो, तीसरे में कस्मे, चौथे में कमम, और पांचवे में का। ये हमारा 15 प्रश्न है। ये देखिए किस तरीके से जैसे आपने बनाया है, पांचवां में थर्ड में संख्यम, पहले में मर्मे, सेकंड में तुरुंगा, ठीक है, थर्ड में तुरुंगा, और गै में संगम, और लास्ट में डाउट डेप, ठीक है, ये खाली है। और ये अथवा पार्ट भी आया 16वें का, सेकंड में, ठीक है, जिज्ञासम अथवा वाला पार्ट भी हम 16वें कर रहे हैं। अगर आपने अथवा वाला पार्ट किया है तो इसको मैच कर लीजिए। चौथे में विशेषतया, पहले में प्रथम, और तीसरे में सदा चारस्य। 17वें प्रश्न करते हैं। देखिए पहले में छठा, दूसरे में पांचवा, तीसरे में दूसरा, चौथे में सातवां, पांचवे में तीसरा, छठे में आठवां, सातवें में पहला, और आठवें में चौथा। ये आंसर्स हैं। 18वें प्रश्न पे चलते हैं। पहले का सी, दूसरे का डी, और तीसरे का सी, चौथे का ए। आप सभी अच्छे प्रकार से इन प्रश्नों को चेक कर लीजिए, और कोई भी कमेंट करना हो तो आपको कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए। धन्यवाद।